जी नमस्कार। आज आपको एक छोटी सी जानकारी देने के लिए मैं लाइव हुआ हूँ, और वो जानकारी देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम बार बार जो आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप यथास्थिति जहाँ पर हैं, अगर वहाँ पर रह सकते हैं तो वहाँ रहें, और बिना वजह वापस आकर अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को किसी तरह के जोखिम में ना डालें, तो इसके पीछे का बहुत ही ज़रूरी एक वैज्ञानिक कारण भी है, इसका मेडिकल कारण भी है। अब आज आप देखिए, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स, जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो बाकी सब हमारे नेगेटिव आए। सलूनी के जो हमारे पॉजिटिव्स थे, उनमें से एक जो आपका कॉन्टैक्ट है जो पॉजिटिव आया है आज, बाकी सब 36 में से जो एक पॉजिटिव आया है, वो एक 2 साल की बच्ची है। और एक बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न है, इसको कैसे डील करें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, और कृपया करके आप जहाँ से आना चाह रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप सबसे पहले अपने परिवार को जोखिम में डाल रहे हैं। अगर आप फिर भी अगर आ गए हैं, तो अपने जहाँ जहाँ बैठे हैं, अपने होम क्वारंटीन को बड़े सख्ती से पालन करें। होम क्वारंटीन का मतलब है कि आप घर में रहें, और घर में भी ज़्यादा लोगों के साथ, अपने जो आसपास के बुज़ुर्ग हैं और जो ख़ास तौर पे बच्चे हैं, इनसे किसी तरह का फिज़िकल कॉन्टैक्ट या किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट ना करें। तो यही जानकारी आज आपको देनी थी कि चंबा में एक और पॉजिटिव जो है वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट इनके आए हैं, और उनमें से जो ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, ये 2 साल की बच्ची है। सो अगली अपडेट के लिए हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।